खबर के साथ हार्दिक पटेल को 2 साल की सजा हुई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, हार्दिक पटेल को बड़ी यहां पर 2 साल की सजा मिली है। दरअसल हिंसा का ये पूरा मामला, हिंसा के एक मामले में 2 साल की सजा हार्दिक पटेल को हुई है। पटेल आरक्षण के दौरान हिंसा हुई थी जिसमें हार्दिक पटेल को दोषी पाया गया, दोषी ठहराया कोर्ट ने, और उसके बाद सजा का ऐलान किया है। 2 साल की सजा इस पूरे मामले में हुई है। मेहसाणा के विसनगर दंगा केस में दोषी ठहराया गया है हार्दिक पटेल। लालजी पटेल भी दोषी करार है। इस मामले में हिंसा हुई थी जिसमें हार्दिक पटेल को दोषी ठहराया गया। बीजेपी विधायक ऋषिकेश पटेल के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई थी। पटेल आरक्षण के दौरान आंदोलन जो हुआ था, पटेल आरक्षण को लेकर उस दौरान से ही इस पूरे मामले में केस चल रहा था, और अब दोषी ठहराए जाने के बाद सजा का ऐलान हुआ है। 2015 का ये पूरा मामला, पाटीदार आरक्षण आंदोलन के वक्त दंगा काफी हुआ था जिसमें दोषी पाया गया है हार्दिक पटेल को। विसनगर में बीजेपी विधायक ऋषिकेश पटेल के दफ्तर में भी तोड़फोड़ हुई थी। हमारे साथ हमारे संवाददाता अरविंद शर्मा जुड़ गए हैं। अरविंद, 2 साल की सजा हुई है हार्दिक पटेल को, क्या और जानकारी है पूरी खबर पे? देखिए, इस बात को हम गंभीरता से ले सकते हैं। हार्दिक पटेल 25 अगस्त से आमरण अनशन और उपवास करने वाले थे, और उसके पहले विसनगर कोर्ट ने यह फैसला दिया है। विसनगर के विधायक ऋषिकेश पटेल की ऑफिस में तोड़फोड़ हुई थी। और चलिए, शुक्रिया आपका अरविंद पूरे मामले में खबर हम तक पहुंचाने के लिए। तो पटेल आरक्षण में जो आरक्षण आंदोलन के दौरान जो हिंसा हुई